चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में हम लोग 80 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 90 तक। जिन लोगों ने इसके पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से उसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज दृष्टिकोण मुद्रा के निम्न कार्य पर अधिक बल देता है। ऑप्शन ए है मूल्य संग्रह, बी है विनिमय का माध्यम, सी है लेखा की इकाई और डी है विलंबित भुगतान का आधार। तो जो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज दृष्टिकोण मुद्रा के मूल्य संग्रह पर अधिक बल देता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मूल्य संग्रह। क्वेश्चन नंबर 82। वैधानिक तरलता अनुपात के कम करने पर निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन ए है सरकार बैंकों से पहले की अपेक्षा अधिक उधार ले सकेगी, बी है सरकार व्यापारिक बैंकों को ज्यादा प्रतिभूतियां बेच सकेगी, सी है निजी क्षेत्र पहले की अपेक्षा कम साख प्राप्त कर पाएगा और डी है सरकार व्यापारिक बैंकों को पहले की अपेक्षा कम प्रतिभूतियां बेच पाएंगी। तो वैधानिक तरलता अनुपात जब हम कम करेंगे तो वहां पर सरकार व्यापारिक बैंकों को पहले की अपेक्षा कम प्रतिभूतियां बेच पाएंगी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सरकार व्यापारिक बैंकों को पहले की अपेक्षा कम प्रतिभूतियां बेच पाएंगी। क्वेश्चन नंबर 83। जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार के प्रतिभूतियों को बेचता है तो इससे संभव है कि ऑप्शन ए है मुद्रा पूर्ति और ब्याज दर में वृद्धि हो, बी है मुद्रा पूर्ति का विस्तार और ब्याज दर में कमी हो, सी है मुद्रा पूर्ति में संकुचन तथा ब्याज दर में वृद्धि हो और डी है मुद्रा पूर्ति में संकुचन तथा ब्याज दर में कमी हो। तो जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता है तो इससे मुद्रा पूर्ति में संकुचन तथा ब्याज दर में वृद्धि होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मुद्रा पूर्ति में संकुचन तथा ब्याज दर में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा की मांग के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए है आय के स्तर में धनात्मक रूप से संबंधित तथा ब्याज की दर से ऋणात्मक रूप से संबंधित, बी है आय के स्तर तथा ब्याज की दर से ऋणात्मक रूप से संबंधित, सी है आय के स्तर तथा ब्याज की दर से धनात्मक रूप से संबंधित और डी है आय के स्तर से ऋणात्मक रूप से संबंधित तथा ब्याज की दर से धनात्मक रूप से संबंधित। तो इसका जो सही कथन इसमें है चारों में वो है ऑप्शन ए आय के स्तर से धनात्मक रूप से संबंधित तथा ब्याज की दर से ऋणात्मक रूप से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? ऑप्शन ए है M1, बी है M2, सी है M3 और डी है M4, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी M3। क्वेश्चन नंबर 86। M3 को परिभाषित किया जाता है, ऑप्शन ए है जनता के पास मुद्रा प्लस मांग जमा, बी है M1 प्लस डाकघरों के पास बचत जमा राशियां, सी है M2 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा राशियां और डी है M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा राशियां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा राशियां। क्वेश्चन नंबर 87। यदि अन्य बातें समान हो तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि का परिणाम होगा। ऑप्शन ए है आय का ऊंचा स्तर तथा ब्याज का ऊंचा स्तर, बी है आय का नीचा स्तर तथा ब्याज दर का नीचा स्तर, सी है आय का ऊंचा स्तर तथा ब्याज दर का नीचा स्तर और डी है आय का नीचा स्तर तथा ब्याज दर का ऊंचा स्तर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी आय का नीचा स्तर तथा ब्याज दर का नीचा स्तर। क्वेश्चन नंबर 88। निम्न में से कौन देसी बैंकों के वर्ग में नहीं आता है? ऑप्शन ए है महाजन, बी है सर्राफ,
सी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और डी है सेट्टी। तो यहाँ पे जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो देसी बैंकरों की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन नंबर 89, नाबार्ड की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए है किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए, बी है कृषि साख संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए, और सी है कृषि विकास में सहायता के लिए, और डी है उपयुक्त सभी कार्यों के लिए। तो नाबार्ड की स्थापना ये तीनों कार्यों के लिए की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 90, वैधानिक तरलता अनुपात SLR में वृद्धि का परिणाम होता है। ऑप्शन ए है बैंकों के पास कम नकदी, बी है सरकार को अधिक संसाधनों की प्राप्ति, और सी है बैंकों की लाभदायकता में कमी, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।